लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 1 जून 2021 से पूर्वी सेना के कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंदन नायर 1 जून 2021 से असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह 1 जून 2021 से अंडमान एवं निकोबार कमान के 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला। जाने माने वकील महेश जेठमलानी तथा पूर्व पत्रकार स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष। CBSE कक्षा 12 की परीक्षा COVID-19 के कारण रद्द कर दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की। मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मई में घटकर 50.8 पर आ गया, जो कि पिछले महीने 55.5 पर था। इन्वेस्टर सर्विसेज ने वित्तीय वर्ष 22 के भारत की GDP वृद्धि 9.3% का रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स संयुक्त रूप से रेलवे द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मानदंड निर्धारित। परिवहन मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाले वाहनों को RC से छूट का प्रस्ताव। RDSO केंद्र सरकार की एक देश एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला निकाय बन गया है। BIS ने RDSO को मानक विकास संगठन के रूप में मान्यता दे दी है। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी में थोड़ी। वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून को मनाया गया तथा उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया गया।